परदाई। हाँ परदाई। परदाई हम भी बच्चों के एडमिशन के लिए ना अपनी तरफ से कुछ कंट्री बूट करना चाहते हैं। अच्छा लाओ लाओ। ये लीजिए 26 रुपए। थैंक यू। नहीं वो अमाउंट छोटी देखकर दिल छोटा ना करे। जब जब भी टाइम मिले बस गिनते रहिए। क्यों परदाई वो क्या है ना हमने इसे 3 बार गिना। हर बार गिनने पर ना 1 रुपया बढ़ जाता था। हो सकता है ये ऐसे एक एक करके ये 25,000 तक पहुंच जाए। सोनी हाँ। नहीं हम मानते हैं कि मेहनत लगेगी लेकिन अपना मकसद तो पूरा हो ही जाएगा ना। हाँ और इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। है तो आजकल बैंक भी तो लोन देते हैं पढ़ाई के लिए। हीरू उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए और हमारे पास बैंक को देने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी? अरे सिक्योरिटी का इंतजाम तो हो जाएगा। हम है ना? हम अभी ऐप पर जाए अभी। हाँ, चल सोनी। रुक बटन दिखाई नहीं देता क्या? जाने दो ना बच्चे जाओ धर्म। चलो चलो हेलो। नमस्ते कामनी जी। हेलो हेलो हेलो। ओके रमीला लेट्स स्टार्ट नाउ। अच्छा यहाँ से ये सोफे वगैरह हटा देना यहाँ पे प्लेटफॉर्म लगेगा। प्लेटफॉर्म? कुछ दिनों के लिए ये घर मुझे चाहिए था एक फंक्शन है। तुम लोग भी इधर ही रह सकते हैं हम लोग हॉल से काम चला लेंगे। तुम लोगों को तकलीफ नहीं होती हो तो हाँ? रमीला ये तुम्हारा घर है हक से मांगो और झट से मांगो। हाँ जी हमने कब कहा कि हमारा घर है। हम तो वैसे ही इनके देनदार हैं। ये कहेंगे उठ जाओ तो हम उठ जाएंगे कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। नहीं ए नया अभी इसे अपना ही घर समझना। अरे आप लोग बैठिए ना मैं नाश्ता ले आती हूँ। भजिया ठीक है? ओह प्लीज नो भजिया मुझे सरसों के तेल से एलर्जी है। सामने क्यों खड़ी है? मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है चलिए हटिए यहाँ से। कम ऑन। और आप यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आई हैं? कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है मेरा। कम ऑन जस्ट मूव प्लीज जाइए गो। यहाँ पे प्लेटफॉर्म होगा और यहाँ जजेस बैठ सकते हैं और यहाँ पे ऑडियंस। और हाँ ऑडियंस ठंग की होनी चाहिए। I mean, presentable at least. यहाँ प्लेटफॉर्म होगा। प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म तो जी आप हमारी किचन वाला भी यूज कर सकती हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Excuse me? यहाँ पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे लड़की को प्लेटफॉर्म पे चलाना है जलाना नहीं है। किचन का प्लेटफॉर्म यूज कर लो। सिली यहाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है? हर साल होता है और हर साल मैं ही जीतती हूँ। इस साल भी मुझे अपने कंपटीशन का तो कोई दिख नहीं रहा। कोई प्राइज वगैरह भी होता है या ऐसे ही फ्रेंडली मैच? ऑफ कोर्स। फर्स्ट प्राइज 50,000 रुपए। सेकंड प्राइज 25,000 25,000 रुपए। तीसरा 0। व्हाई? हाँ वो 50 में से 25 गए 25 और 25 में से 25 तो खत्म 0। प्लीज डोंट प्रूव अगेन एंड अगेन कि आप लोग कहाँ से आए हो फॉर गॉड सेक। ये थोड़ी ऐसी है तुम लोग भी रहना कॉन्टेस्ट में। रहना मगर दिखाई मत दे किसी एक कॉर्नर में चुपचाप बैठे रहना प्लीज। चलो रमीला वी हैव टू गो मुझे इम्पोर्टेड फेशियल के लिए जाना है। कम ऑन लेट्स गो। कम ऑन कम ऑन लेट्स गो। मम्मी फोन। अरे ये अपने चांद सा चेहरा क्यों छुपा लिया? चांद सा चेहरा नहीं छुपाया है अपना फूल जैसा सर छुपाया है। ये आपका बेटा हमेशा बैट लेके इधर उधर घूमता रहता है क्या? चुप दफन। परदाई अरे तुम को धक्का देने के सिवा और कुछ नहीं आता क्या? शुक्र मैंने हेलमेट पहना हुआ था है ना दफन। सुनी अब तो हमने इंग्लिश भी सीख ली दफर बोल दिया। परदाई परदाई चलो लोन लेने चले सिक्योरिटी का इंतजाम हो गया है। कहाँ है सिक्योरिटी? सिक्योरिटी पर जाई जी ये आ गई सिक्योरिटी। अब इसको बैंक में जमा करवा के तो लोन मिल ही जाएगा ना।
तुम दोनों भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? पहला इनाम 50,000 रुपए। 50,000? दूसरा 25,000 रुपए। सिक्योरिटी का 25,000? कोशिश तो करनी चाहिए। ओ, मैं नहीं मानता भाई। ये कोई शहर है? ओ, पाजी, बम करो यार। बम्बई है, ईंटों का जंगल है ये। कुलजीत है? कुलजीत है? तभी। ओ हीरो, कहाँ चले गए ये सब लोग? कमाल है यार। कमाल ही हो गया भाई, सब जगह देख लिया, कहीं कोई नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ चले गए सब? पता नहीं बली पाजी। हद हो गई है पाजी, बच्चे भी कहीं नजर नहीं आ रहे। चाचू, 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 चाचू। हुआ क्या शाइनी? पापा गजब हो गया। क्या हुआ बेटा? ओ पाजी, किसी ने परछाइयों के कपड़े फाड़ दिए। क्या? क्या? हाँ, वो देखो। हाय, दिस इज हीरू कपूर। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और अब और भी ज्यादा करेंगे। ओए, तूने क्या खिलाया इसको? हाय, आई एम भैरवी प्रमीत कपूर। भाई, मैंने इन्हें कुछ नहीं खिलाया, मुझे लगता है इनको बंबई की हवा लग चुकी है। वही इंदर, मुझे तो डर लग रहा है, अब कुलजीत की बारी है। बाजी टेंशन क्यों लेते हो, पर जाए कुछ ना कुछ तो पहन के ही आएंगी। अच्छारी के पीछे एक औरत होती है, लेकिन हर कामयाब औरत के पीछे भी एक औरत ही होती है। लेकिन भैरवी, तूने ना कमाल कर दिया, ये साड़ियां सिलवा कर वाकई तूने चार चांद लगा दिए। ये सारे के सारे मर्द तो क्या अकेले कुछ हो जा रहे हो? तो हमें भी बताएगा ये घर में दशहरे की झांकियां क्यों निकाली जा रही है? झांकियां? हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे, रामलीला में नहीं। अब मैं नहीं मानता भाई, और दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, अब कुछ दिनों के लिए हमारी जुगनी पर बैन क्या लग गया? तुम लोगों ने अंग प्रदर्शन का ये बेहुदा काम ढूंढ निकाला। पाजी कैसी बातें कर रहे हैं आप, कंपटीशन तो हमारे घर में हो रहा है ना, अंग प्रदर्शन तो तब होगा ना जब हम घर से बाहर जाएंगे। हाँ, और पता है जीतने पर पहला इनाम 50,000 रुपए और दूसरा 25,000। अपने बच्चों की एडमिशन फीस का मसला हल। बल्ली पाजी, ये तीनों औरतें अपने हाथ से बाहर निकल चुकी हैं। इससे पहले कि ये घर से बाहर निकले, मैं तो कहता हूँ जी जुगनी में बिठाओ तीनों को और ले चलो बठिंडा, और कोई कंपटीशन नहीं करने देंगे इनको। क्यों जी, आप तो मेरी खूबसूरती की इतनी तारीफ करते हो, अब क्या हो गया? ओए हीरू, और तारीफ तो मैं तेरे हाथों के बनाए हुए खाने की भी करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कल को तू ढाबा खोल के खड़ी हो जाए, हीरू का ढाबा। पाजी आप क्यों नहीं समझाते इनको? और मैं नहीं मानता भाई, इस मुद्दे को लेके बैठकी होगी। हाँ, ये आप लोग भी खाना खा लो, इस मुद्दे पे हम उसके बाद भी विचार कर सकते हैं। सोच विचार कुछ नहीं करना, हमें परमिशन चाहिए बस। परमिशन नहीं मिली तो हमने खाना भी नहीं खाना। पाजी आप इन्हें परमिशन दे दो, वरना कल से ना हम भी खाना नहीं खाएंगे। ठीक है भाई, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि कल से हमें ही खाना मिलना बंद हो जाए। क्या मतलब? भाई मतलब ये है कि मॉडल बनने के बाद ना अक्सर औरतें किचन में घुसना ही बंद कर देती, इसलिए मैं सोच रहा था कि कल को कहीं हमारे साथ भी। तो मतलब आप राजी हैं? अब भाई मैं क्या बोलूं? बल्ली पाजी, ये क्या किया आपने? और नाराज क्यों होता है इंदर, वैसे भी ये जो कर रही हैं अपने बच्चों के लिए तो कर रही हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने हाँ बोला है, वैसे भी हम लोग तो पैदाइशी कलाकार हैं, हर रोज एक नया रोल अदा करते हैं, तो फिर इस चैलेंज से क्यों पीछे हटे? लेकिन बल्ली पाजी, ओए शेक्सपियर ने कहा कोई काम अच्छा या बुरा नहीं होता,
अच्छी बुरी होती है इंसान की सोच. शो मस्ट गो ऑन. मेहरबान कदरदान और बिन बुलाए सभी मेहमान, आज के इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्वीन ऑफ एवरशाइन नगर में सभी का स्वागत है. तालियां. अरे हाँ, सभी पतियों को खास हिदायत दी जाती है. आज उनकी पत्नियों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ ज्यादा ही मेकअप कर लिया है, इसीलिए जाते वक्त अच्छी तरह पहचान कर अपनी अपनी बीवियों को ही लेके जाए, किसी और की नहीं. हाँ तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जज के इंट्रोडक्शन से. हमारे पहले जज हैं आमिर खान. आमिर खान? आमिर खान उनको बुलाया था, वो आए नहीं. जो आए हैं वो हैं मिस गुहा. दूसरे नंबर के जज हैं फेमस एक्टर मिस्टर नितिन बखारिया. और हमारे तीसरे नंबर के जज हैं बहुत ही फेमस फिल्म निर्माता मिस्टर संजीव झांगी कपूर. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्यूटी कॉन्टेस्ट के पहले राउंड से, भारतीय पोशाक राउंड. तो आज की पहली कंटेस्टेंट है मिसेस कामिनी सचदेव. पहचानिए इन्हें, ये वही कामिनी सचदेव हैं जो अक्सर आस पड़ोस में चाय पत्ती और चीनी मांगती हुई पाई जाती हैं. गिव हर अ बिग हैंड. हेलो, I'm Mrs. Kamini Sachdev, ex-queen of Evershine Nagar. मुझे इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके बहुत खुशी हो रही है. And I'm sure कि इस साल भी यही खिताब मैं ही जीतू. Thank you. Give her a big hand. अब बारी है वन एंड ओनली रमीला जोशी, वाइफ ऑफ संपर्क जोशी, रमीला जोशी. यू हैव अ बिग हैंड. अगर आप में से किसी की बीवी यहां पर होती तो क्या आप लोग इतनी ही कम तालियां बजाते? Myself, Romila Joshi, huh? thank you, और अब आगे की कंटेस्टेंट है मिसेस रश्मि शर्मा जी.
मोहल्ले की औरतों सावधान, अब आ रही है कपूर खानदान की सबसे बड़ी बहू मिसेस कुलजीत कपूर। कलंदर हर पल मौला, गड्डी है या उड़न कटोला, गांव शहर हर गली गली में लग जाए खुशियों का मेला। सोनी सोनी गल्ला करके मौजा बिंदा चल, भंगड़ा पवा के गम तुझा सपनों हटाएंगे, घर घर में खुशियों का मौसम लेकर आई बे, आई बे आई बे गड्डी आई बे। मुझे कुछ नहीं आता जाता, मैं वो इंटरव्यू नहीं दे सकती, वो ठीक है कि मैं चूल्हा चौका करती हूँ। नमस्ते जी, मैं मिसेज सुजीत कपूर। हंस मत, वो हंसी तो गई। क्या बात है मिसेस कपूर, ऐसी हंसने वाली बात क्या है, वह भी बताइए, हम भी साथ में हंसते हैं। वो क्या है जी, मैं तो बस किसी भी बात पे हंस पड़ती हूँ। वैसे आप लोग भी हंसिए ना, हंसने पे कोई टैक्स थोड़ी लगता है। वैसे भी ना मेरे पति कहते हैं कि मैं हंसती हूँ ना तो बहुत खूबसूरत लगती है। मस्त कलंदर हर पल मौला, गड्डी है या उड़न कटोला, गांव शहर हर गली गली में लग जाए खुशियों का मेला। ओ सोनी सोनी गल्ला करके मौजा मनाएंगे, भंगड़ा पवा के गम तुझा सपनों हटाएंगे, घर घर में खुशियों का मौसम लेकर आई बे, आई बे आई बे गड्डी आई बे। तुम्हें भी जिंदा न पहुंचा दूं तो मेरा नाम भी काम नहीं है।